गोंडा में स्कूल जा रही 14 वर्षीय छात्रा रास्ते से लापता। नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कॉलेज जा रही कक्षा 7 की छात्रा करीब सुबह 9 बजे से गायब। 8 फरवरी 2022 से नाबालिग लड़की का आता पता नहीं, जबकि सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसे में कैसे बेटी कोई पढ़ाएगा और बचाएगा। नाबालिग लड़की के परिजनों ने नगर कोतवाली में लिखित शिकायती पत्र दिया था। मुकदमा भी पंजीकृत किया गया धारा 363 में, मगर 6 दिन बीत जाने के बाद भी 14 वर्षीय छात्रा गायब है। गोंडा पुलिस अभी तक नहीं पता लगा पाई है। बच्ची के माता पिता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उच्च अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। बच्चों की मां का कहना है कि कहीं मेरी बेटी के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, जिसके खिलाफ नामजद थाने में तहरीर दी है। वे लोग सुलह समझौते का दबाव बना रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल गोंडा से न्याय की गुहार लगाई है। नाम है आपका, कहाँ की रहने वाली है, क्या मामला पुलिस कार्यालय पे आ पाई है? मेरा नाम परवीन है, मोहल्ला जिगरगंज में रहते हैं। यहाँ कप्तान साहब प्रार्थना पत्र देने आए हैं। हमारी लड़की 8 तारीख से गायब है और मिल नहीं रहे। हमने जो है अपना वो FIR कराया चौकी पे, चौकी वाले कुछ सुन ही नहीं रहे हैं और हम बहुत परेशान हैं। कब, कितनी बड़ी लड़की आपकी है और कब से गायब है और कब आपने शिकायत की? 14 साल की लड़की है, स्कूल इंटर कॉलेज में मुस्लिम गर्ल्स में पढ़ती है और वहीं से 9:30 बजे गायब हो गई। पता लगाने पे कहीं पता नहीं चला तो पुलिस चौकी गए, वहाँ कोई सुन नहीं रहा है। तो आप स्कूल में पता किया? हाँ, हमने स्कूल में पता किया तो स्कूल वालों ने कहा कि आज वो स्कूल ही नहीं आई है। तो आपने थाने पे या चौकी पे इसकी शिकायत पत्र दिया? जी हाँ दिया, वहाँ पुलिस चौकी पे दिया, फिर उन्होंने शहर कोतवाली में दिया। तो क्या बोले वहाँ से? वहाँ ने कहा हमने FIR लिख लिया है, जाओ। चले आए हम, तब से हम एप्लीकेशन इसलिए यहाँ लेके आए हैं। लड़की आपकी किसी के साथ में आती थी, अपनी सहेली के साथ में या किसी के साथ में? नहीं, वही अकेले जाती थी, अकेले आती थी और उसने रिक्शे पे उसने कहा बैठो, उसी वहीं के लोग बता रहे थे कि रिक्शे बैठी और फिर स्कूल चली गई थी। हमको अब ये नहीं पता कि वो कहाँ गई है, वही रिक्शे वाले ने ले गया है। कितना दिन हो गया आपकी लड़की का कोई लापता नहीं है, वो पता नहीं है? आज हो गया है 7 दिन। 7 दिन हो गया, पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, बार बार चौकी थाना चौकी हम घूम रहे हैं, कोतवाली घूम रहे, कोई सुन ही नहीं रहा है। कप्तान साहब क्यों आई है SP ऑफिस में, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं ज्ञान न्याय हमको मिलेगा, इसीलिए हम यहाँ आए हैं, एप्लीकेशन दिया है। कप्तान साहब के आए हैं कि हमारी लड़की तो बरामद किया जाए, नहीं तो उसकी हत्या हो जाएगी। हम इसीलिए बहुत परेशान हैं, कप्तान साहब से गुजारिश है हाथ जोड़ के कि हमारी लड़की को ढूंढ के हम हमारे हवाले कर दीजिए।